तो अभी मैं आई थी छत पर पौधों में पानी डालने के लिए। धूप तो हो रही है लेकिन फिर पौधे मुरझा जाएंगे ना। कल शाम को भी ज़्यादा पानी नहीं डाला है इस वजह से, तो सारे पौधों में पानी डाल दिया। अभी कूलर भर रही हूँ और कपड़े भी सूखने के लिए डाले हैं क्योंकि रात को मैंने धोए थे। तो अभी धूप निकली हुई है ना, तो अच्छी तरह से सूख जाएंगे। उस साइड नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि सारे कपड़े डले हुए हैं। और ये है मेरे करी पत्ते का पौधा। पौधा क्या, आप तो पेड़ जैसा हो गया है। काफ़ी अच्छा हो रहा है। बादल भी हो रहे हैं और धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई है। गर्मी तो स्टिल है अभी ना, सितंबर हो गया है लेकिन फिर भी गर्मी है। तो कूलर भर रहा है, वेट कर रही हूँ मैं। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि अमित ऊपर आ गए। कूलर पौधों में तो पानी डाल दिया, बस अब कूलर ही रह गया भरने के लिए। तो मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि मम्मी को नहलाना है। आज मौका मिला है, संडे है, तो मैंने कहा उन्हें नहला के आ जाऊँ क्योंकि आज सफाई का काम करना है रूम में। और हमारी वाइट वाली तो अंदर ही बैठी है। ये देखो, ये पूरा इन्होंने क्या हालत कर दी इसकी, झूले की। उसे नोच नोच के पूरा उसे खोल दिया, देख रहे। और कितना फैला रखा है, कितना ज़्यादा फैला रखा है इन्होंने। खाना तो कम खाते हैं, फैलाते ज़्यादा है। ये भी साफ करना है। तो मम्मी को नहला के आ गई हूँ मैं और अभी हम कर रहे हैं रूम की सफाई, जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे कि आप देख ही रहे हो कि जो कारपेट है वो बाहर निकाल रखा है और वॉल्स को भी खाली कर दिया है। और इन सोफ़ा को मैं ढक देती हूँ ताकि इन पे ज़्यादा धूल वगैरह ना पड़े, इसीलिए। तो जितना हो सकता है मैंने सोफ़ा को कवर कर दिया है। अब जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वहाँ तक मैं ये झाड़ देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऊपर तक मेरा हाथ तो जाता नहीं है ना। वहाँ अमित कर देंगे, जहाँ तक मुझसे होता है मैं क्लीन कर देती हूँ। तो जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ गया मैंने वॉल्स को क्लीन कर दिया, झाड़ दिया। ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, इतना ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ किया है। लेकिन आज हमने सोचा कि संडे है तो साफ़ कर लेते हैं, साफ़ सफाई हो जाएगी। और जो कारपेट है ना उसको हमने छत पे डाल रखा है, अमित उसको वॉश करेंगे। तो ऊपर चल के देखती हूँ मैं कि कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अमित ने है ना इसको सोप से ये वॉश कर रहे हैं अच्छी तरह से ब्रश के साथ, ताकि इसकी सारी गंदगी मिट्टी वगैरह निकल जाए। और फिर यहीं पे रस्सी पे डाल देंगे तो ये सूख भी जाएगी, क्योंकि अब तो आगे सर्दियाँ आने ही वाली है तो कारपेट तो बिछाना ही है। इसे रोल करके भी कहाँ रखेंगे, है ना। तो ये करते हैं, मैं नीचे जाके बाकी काम जो भी है वो निपटा देती हूँ। फिर से नीचे चलते हैं। और आज क्या बताऊं कि मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, पैरों में और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर भी सारा सामान बाहर ही रखा हुआ है। तो पेन तो हो रहा है लेकिन क्या कहूँ कि काम तो फिर करना ही है ना, नहीं तो फिर ये आज भी रह जाएगा। बहुत दिनों से टल रहा था ये काम ना। और नाश्ता अभी मैंने नहीं किया है, मानव ने कर लिया, अमित ने कर लिया। मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं था। बीच में जब ये झाड़ू वगैरह लगा दूँ, पोछा लगा दूँ, उसके बाद मैं खा लूँगी, क्योंकि धीरे धीरे करके फिर सामान रखेंगे। सारी डस्टिंग है अभी बची हुई। और टीवी को हमने ये हमारी बड़ी एक क्या बोलूँ मैं, कोई कवर था उससे हमने इसको रैप कर दिया, नहीं तो इसमें सारी धूल मिट्टी चली जाएगी। तो अभी अमित कर रहे हैं उसको ऊपर वॉश कर रहे हैं, फिर वो धो के और उसको रस्सी पे डाल देंगे तो वो सूख जाएगी। और मैं मम्मी को नहला के आई थी तो उनके कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, साथ के साथ धुलते रहेंगे। और बस मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ, यहाँ से ये
सारा। तो चलिए मम्मी के कपड़े डाल दिए हैं, अब ये धुलते रहेंगे और मैं बाकी अपना काम कर लेती हूँ। तो अब अमित कर रहे हैं ये दीवारों को झाड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा हाथ नहीं गया जहाँ जहाँ, वो ऊपर तो नहीं जाता ना जहाँ जहाँ, क्या मैंने तो नीचे नीचे यहाँ यहाँ कर दिया था, और बिल्कुल ऊपर तो वही कर सकते हैं ना, मेरे से नहीं होता। तो बाकी वो कर रहे हैं, फैन को भी क्लीन करना है दोबारा से, अभी कुछ दिन पहले ही किया था इन्होंने ना, दोबारा से क्लीन कर रहे हैं। तो ये यहाँ आया, मेरा तो बिल्कुल हाथ नहीं गया, तो यहाँ पे ये अमित कर रहे हैं। तो सोफा हमने अरेंज कर दिया यहाँ पे, मतलब क्लीन कर दिया अच्छी तरह से, और यहाँ पर भी सब टीवी वगैरह सारी चीजें सेट कर दिए हैं। बस इसके अंदर जो भी टॉयज रखे हुए थे, इसके ऊपर जो भी चीजें रखी हुई थी, वो सब धूप में रखी है वॉश करके ना, इसीलिए। और अभी हमने पेंटिंग्स वगैरह भी अभी कुछ नहीं लगाया है, क्लॉक वगैरह, क्योंकि सबको धूप में रखा हुआ है ताकि उनमें से मॉइस्चर चला जाए। बस थोड़ी देर और है, उसके बाद फिर उनको अंदर उठा के रख देंगे। अभी मैंने इनकी गद्दियां भी बाहर धूप में रखी हुई है। तो यहाँ पे हमने ये हमारे छोटे छोटे टॉयज रखे हुए थे ना, ये भी वॉश हो गए हैं, इन्हें धूप में रख देते हैं ताकि ये ना ये सूख जाए, तो धूप में लेके चलते हैं। तो सारे टॉयज को है ना यहाँ रख दिया, और आपको पता है इसमें से ज़्यादातर जो टॉयज है ना वो मैकडी के हैं, जो हैप्पी मील में निकलते हैं ना। तो जब भी दिल्ली जाना आना जाना होता था किसी का भी हमारे फैमिली में, तो हम लोग है ना, मतलब वो ला के देते थे, अमित खरीद लेते थे, कभी नितिन ले आए, कभी जिया जी ले आए, इस तरह से, और बच्चों के लिए। तो बहुत सारे टॉयज ये इकट्ठे हो गए, और ये देखो ये हमारे गुरमन जी ने इसके दो बना के गया था ये दो बना के गया था वो बहुत दिनों से गुरमन भी नहीं आया, याद आ रही है गुरमन की, क्योंकि स्कूल में भी मिलना नहीं होता, वो दूसरी साइड है एलकेजी में। तो यहाँ इसलिए रख दिया ताकि यहाँ धूप लग जाए और ये सारे सूख जाए। तो अभी देखते हैं कि दूसरा रूम भी करना है, तो पहले यहाँ का सारा सेटअप कर लेते हैं, यहाँ की क्लीनिंग कर लेते हैं, पोछा वगैरह तो मैं लगा चुकी हूँ। अब दूसरे रूम में जाते हैं, वहां पर भी आज सफाई कर देते हैं, धीरे धीरे कर देंगे, सारा काम हो जाएगा। तो फाइनली ये वाला रूम भी क्लीन हो गया, सारा ऊपर से नीचे से सब क्लीन कर दिया अच्छी तरह से। और देखो काम करते करते कितना टाइम हो गया, बस अब मैं नहाने ही जा रही हूँ, और काम करते करते हमें शाम हो गई। ये देखो सूरज भी ढल गया है, करीबन 6:15 हो रहे हैं। तो अब मैं नहाने जा रही हूँ, तो बस अब मैं नहाने जा रही हूँ, क्योंकि हालत सुबह से खराब हो गई है बहुत, मुझे दवाई खानी पड़ी कमर की दर्द की वजह से। और बस यहाँ ये पेंटिंग्स वगैरह रह गई हैं लगाने के लिए बस, लेकिन इसमें तो कोई धूल मट्टी वाला काम नहीं है, तो ये तो आराम से बाद में भी हो जाएगी। बाकी धूल मट्टी वाला सारा काम खत्म हो गया, अब बस नहाना रह गया, नहाने जाते हैं।